थाना शिकोहाबाद पुलिस टीम ने दो मामलों में 5 अभियुक्त किए गिरफ्तार। बताया, वाहनों में चढ़ती सवारियों से लूट करने वाले गैंग के 3 पकड़े। तारांकन 80 लीटर शराब के साथ NH2 कट के पास से 2 अभियुक्तों को लिया हिरासत में। फिरोजाबाद थाना शिकोहाबाद पुलिस टीम द्वारा वाहनों में चढ़ती सवारियों से मोबाइल चोरी करने वाले गैंग के 3 शातिर अभियुक्तों को चोरी के 1 मोबाइल, 2 तमंचे मय, 4 जिंदा कारतूस व चोरी की 1 मोटरसाइकिल फर्जी नंबर प्लेट सहित गिरफ्तार कर लिया। वही थाना शिकोहाबाद पुलिस ने पंजाब प्रांत की अवैध अंग्रेजी शराब की 80 बोतल कुल 60 लीटर सहित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में पुलिस लाइन सभागार में हुई प्रेस वार्ता में SP ग्रामीण अखिलेश नारायण सिंह ने बताया कि SSP आशीष तिवारी द्वारा जनपद में चलाए जा रहे ऑपरेशन पाताल के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी शिकोहाबाद के कुल नेतृत्व में थाना पुलिस टीम द्वारा दौरान बरामदगी के संदर्भ में जो कार्रवाई का अभियान चल रहा है, उसी दौरान इनको जो सूचना प्राप्त हुई उसके आधार पर कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था, जिनके पास से हरियाणा ब्रांड की 6 पेटी शराब बरामद हुई है। हरियाणा ब्रांड की शराब का यहाँ आना अपने आप में ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है। इसके कुछ और सुराग लगे हैं, जिसकी चेन दिल्ली से लेकर हरियाणा तक जा रही है। इस चेन को ब्रेक करने के लिए हमारी टीम लगी हुई है, सरगांव से सूजी टीम की भी मदद ली जा रही है और शीघ्र ही इस चेन को ब्रेक करने में हमें ज़रूर कामयाबी मिलेगी और बड़ी रिकवरी और बड़ी चेन जहाँ जहाँ भी इनके द्वारा सप्लाई जनपद में और जनपद के आसपास किया जा रहा है वो निश्चित तौर पर बरामद किया जाएगा। दूसरी एक और शिकोहाबाद पुलिस के द्वारा ही सराहनीय कार्य किया गया है, जो गाड़ियों में सवारियां चढ़ती और उतरती उनके पास जो सामान रहता है, मोबाइल आदि, पैसे आदि, इन सबको चुरा लेने का काम एक गिरोह करता था, उसके 3 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। इन 3 अभियुक्तों को न्यायालय भेजा जा रहा है। इनके पास से मोटरसाइकिल, मोबाइल और 2 तमंचे बरामद हुए हैं और इनके द्वारा आसपास के जनपदों में भी कुछ घटनाएं करना बताया गया है, जिसको तस्दीक किया जा रहा है। इसके संदर्भ में भी आवश्यक विधि कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।